नमस्कार, मैं फरीदाबाद से डॉक्टर इंदु गुप्ता पाती अपनों के नाम मुहिम से जुड़ी हुई हूं और जन सरोकार मंच टोंक से मुझे जोड़ने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्री सूरज सिंह नेगी जी, डॉक्टर श्री अशोक सक्सेना जी, श्री देवेंद्र जोशी जी, आप सबका हृदय तल से आभार और सादर वंदन करती हूँ आपका। मंच से जुड़े सभी प्रिय साथियों को हृदय तल से नमन करती हूँ। मित्रों, बचपन में, फिर हॉस्टल में पाती खत, पत्र, चिट्ठी, संदेश, ये शब्द बहुत सामान्य रूप से सुनने को मिलते थे। जब हम बाहर निकलने लगते थे, मायके से ससुराल आने लगते थे या हॉस्टल जाने लगते थे, तो बड़ी आत्मीयता से एक वाक्य सुनने को मिलता था, पहुंचते ही दो लाइनें लिखकर डाल देना। तो मित्रों, ये जो पाती, खत, पत्र, चिट्ठी, संदेश, ये मात्र दो पंक्तियां नहीं होती थी, एक तसल्ली, अपनापन, आश्वासन मिल जाता था कि खत भेजने वाला सकुशल होगा और खत पाने वाला उसकी सकुशलता से रूबरू हो जाएगा। हॉस्टल में, फिर गली मोहल्लों में डाकिया बाबू की छवि उजागर होते ही हम यूं उनके जादुई पिटारे यानी पातियों के थैले की तरफ ताका करते थे, जैसे सूखे की मार से अघाया किसान मेघ की तरफ हसरत से निहारता है कि कब मेघ मशके फट जाएं और कब अमृत वर्षा हो जाए। वैसे ही न जाने कब डाक बाबू की नज़रें इनायत किस पर हो जाए और एक पाती अपनों की, एक खत अजीजों का, एक पत्र करीबियों का और एक चिट्ठी मुरादों वाली हम पर भी किसी अनमोल तोहफे या नजराने की मानिंद नज़र हो जाए। मित्रों, दौर वो चिट्ठियों का भी क्या खूब हुआ करता था। पाती में लिखा हर लफ्ज दिल को छुआ करता था। प्रेम के इत्र से सराबोर वो खत महज स्याही रंगे कागज नहीं, अमिट खट मिठी स्मृतियों का जादुई पिटारा हुआ करता था। तो खतों की ताबत का ये सिलसिला बहुत पुराना है और शायद हम सब कभी भी किसी युग में इस सिलसिले से, इस प्रथा से जुदा कब हो पाए। इसका आकार प्रकार, इस शक्लो सूरत बदलते रहे, परंतु हम अपने मन की बात कहने बताने को कागज कलम का सहारा लेते रहे। खासकर जब हमें किन्हीं विशेष अपनों की यादों को दस्तावेज बनाकर सहेजना संभालना होता था, फिर धीरे से हमारी स्वार्थ परता, बेरुखियों के चलते अप्रत्याशित व्यस्तता की आंधी में ये प्रथा और ये ढंग, ये परंपरा लगभग लुप्त से ही हो चुकी थी, क्योंकि दूरभाष, फिर मोबाइल फोन के समय में दूर संचार के माध्यम में अप्रत्याशित क्रांति आने से पत्र लेखन धीरे धीरे औपचारिक पत्र तक सीमित हो गया। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यह गूंगे की अभिव्यक्ति की तरह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा ही रहा है। भले ही अणुडाक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर ही क्यों ना रहा हो, लेकिन पाती का 24 कैरेट सोने जैसा खांटी रूप में लेखन तो सचमुच मैं भूल सा ही गई थी। वह मेरे मन, जहन, आत्मा, रूह में पुनः जिंदा हुआ जब मैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी तथा डॉक्टर मीना सिरोला जी की
इस अद्भुत मुहिम पाती अपनों के नाम से जुड़े। हालांकि उनसे बहुत देर से जुड़ी मैं और बहुत कुछ छूट भी गया इस बीच। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो जन सरोकार मंच से जुड़े मेरे अजीज दोस्तों, आपका दिल की गहराई से खैर मकदम करते हुए मैं आदरणीय श्री सूरज सिंह नेगी डॉक्टर मीना जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और हाँ, ये मात्र औपचारिक धन्यवाद नहीं है, शाब्दिक नहीं है, ये मेरे मन और रूह से आत्मिक धन्यवाद है उनका। क्योंकि राजस्थान की रणबांकुरों की रंग रंगीली धरा मेरे देश और राष्ट्रवादी किरदार को सदा ही आकर्षित करती रही है। इसके अंतर्गत मैं तनिमा की संपादक आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी की मार्फत अपनी कहानी के प्रथम आने पर उदयपुर से, फिर साहित्य समर्था की अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा टिक्कू के माध्यम से जयपुर से जुड़ी, जहां बरसों बरस से अनेक कहानियां, लघु कथाएं पुरस्कृत और सम्मानित हो चुकी हैं मेरी, इसी श्रृंखला में बंधी डॉक्टर विमला भंडारी के माध्यम से एक प्रतियोगिता में विजयी रहने पर सलुम्बर से, फिर उदयपुर श्रीनाथ द्वारा कड़ी से कड़ी जुड़ते आदरणीय डॉक्टर अखिलेश पालरिया जी का स्नेहिल शुभाशीष प्राप्त कर शब्द निष्ठा समूह से, और अब आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी से यह जुड़ाव, जन सरोकार मंच टोंक से जुड़ना, राजस्थान से निरंतर और कदम दर कदम बढ़ता ही जा रहा है ये जुड़ाव। इसलिए मेरी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से एक मजबूत जोड़ देने के लिए मेरी तरफ से ये धन्यवाद शाब्दिक या औपचारिक सच में हो ही नहीं सकता। मित्रों, पाती अपनों को मुहिम के साथ जुड़कर मुझे यूं लगा कि एक अपनेपन के संसार में मैं लौट आई। अपनी जड़ों से जुड़ाव का अनुभव, लगता है सब अपनों के लिए बहुत कुछ जमा हो रखा था भीतर, जो कब से बाहर आने को आतुर था, बस वही सब कुछ जो अप्लावित हो रहा था अब तक, बहने लगा है अब प्रेम धार बनकर, अनुभूति अभिव्यक्ति की धार बनकर बहने लगी है निरंतर। अब मैं अधिक मुखर हो गई हूँ, पाती लिखती हूँ तो बेटे ने भी मुझे पत्र लिखा। पत्र में के वो उद्गार जो लिखकर अभिव्यक्त किए हैं हम दोनों माँ बेटे ने, वही जो शायद हम बोलकर कभी नहीं कह पाए। पत्र हाथ में आते ही स्नेह दुलार, अपनापन, मधुर स्मृतियों के सिलसिले उमड़ने लगते हैं। मैं उससे मौन संवाद करने लगती हूँ, बीते मीठे पलों को लम्हा लम्हा जीने लगती हूँ। अविस्मरणीय अनुपम उपहार है वह हमारे लिए। फ्रेम तो नहीं कराऊंगी उस पाती को, लेकिन उसे ताउम्र सीने से लगाकर जरूर रखूंगी। पाती मुहिम के साथ जुड़कर मेरे भीतर की पाती लिखने की मरणासन परंपरा को मानो कोई संजीवनी की खुराक मिल गई है। अब मैं अपनों के साथ उपहारों में नश्वर भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान के स्थान पर अभिलेख समान पातियों का आदान प्रदान करने लगी हूँ। हार्दिक आभार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब का तथा पाती मुहिम का कि मुझे दिल की बात को दुआ और मेरे आखरों को दस्तावेज बनाने का हुनर सिखा दिया, मुझे मसी कागद का फिर से आशिक बना दिया। मित्रों, अब तो चाहत है कि खत लिखेंगे गर्चे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं कलम दवात के। तो पुनः आभार आपका डॉक्टर नेगी साहब, डॉक्टर सक्सेना जी और देवेंद्र जी मुझे इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए। अब एक खत है, एक पाती है
जो मैंने कभी मित्र के नाम लिखी थी, आज उसका वाचन करने की आपसे इजाजत चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त, भूली बिसरी दोस्त, जो बरसों बाद मुझे यूं ही मिल गई खत के माध्यम से, पाती के माध्यम से, मेरी दिलो जान से प्यारी चारू, सस्नेह सप्रेम मन आत्मा से प्यार भरी छप्पी। नहीं जानती तू कैसी है, परंतु मैं सचमुच बहुत खुश हूँ आज। वो यूं कि अणु डाक टंकण और व्हाट्सएप के दौड़ते भागते संवेदनहीन युग में बहुत समय बाद आज किसी अपने की आत्मीयता भरी हस्तलिखित पाती मिली। लिफाफे पर की लापरवाह सी खुली खुली लिखाई शायद संयमित करने के चक्कर में कुछ आवारा सी हो गई थी, परंतु ना जाने क्यों कुछ जानी पहचानी भी लग रही थी। खोल कर पढ़ा तो सुखद आश्चर्य में डूब गई। मालूम है चारू, वे तेरी पाती थी, 25 बरस से गुमशुदा मेरी चारू की। तू मुंबई में रहती है और वहाँ किसी बुक स्टोर से तूने मेरी लिखी किताबों पर से मेरी तस्वीर और नाम से मुझे पहचान कर उन्हें खरीदा। फिर अपनी फुर्सत में हफ्तों तक मेरी कहानियों को पढ़ा गुना और उसके महीनों बाद मुझे ये खत लिखा। ओह, यकीनन तेरे धैर्य और तटस्थता दाद देने योग्य लगे मुझे, परंतु ज्यों ज्यों मैं तेरा लंबा खत पढ़ती गई, तेरे स्नैपशॉट्स दिल पर मोहरों की भांति अंकित होते गए और मैं प्याज की परतों की तरह खुलती अपनी प्यारी चारू से और करीब और अधिक करीब होती चली गई। तुम हैरान होकर पाती में कहती हो कि मेरे द्वारा किए प्यार के चित्रण में आत्मीयता से प्रभावित सरसता, साहित्यिकता के दर्शन और संतुलन के साथ सही मिकदार में एक तलखी है, हंसी खुशी के साथ साथ जो उसे वास्तविक बनाती है, इसलिए पाठक उसमें मेरी जगह स्वयं को आसानी से रख पाते हैं। मेरी कहानी पाठक की कहानी बन जाती है और तुमने अनुभव किया कि मेरी कुछ कहानियों में, जैसे कुल ज्योति में, तुम्हारी छवि अंकित है। मसलन तुम्हारी पाव सदी पहले मेरे साथ बांटी एक सोच कि माता पिता बनने के लिए बच्चा पैदा करना कतई जरूरी नहीं है, बस बच्चे का होना जरूरी होता है, वह बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। और तुमने लिखा कि 8 बरस पहले एक तुम्हारा जाना एक अनाथालय में हुआ, तो वहां बने छोटे से पूजा गृह में भगवान से प्रार्थना करती 3-1 साल की लड़की तुमसे ममा ममा कहकर लिपट गई, ममा मुझे अब छोड़ के ना जाना। और फिर आश्रम वालों ने तुम्हें बताया कि कोई उसे 2-2.5 महीने पहले यह कहकर यहाँ छोड़ गया कि 3 दिन बाद उसकी माँ आकर उसे ले जाएगी, पर वह कभी नहीं आई। तब से बच्ची वही है और तब से गोद ली उस जहीन मायशा से तुम्हारा मातृत्व और आंगन, घर आंगन गुलजार हो रहा है। हाँ चारू, सच है मेरी दोस्त, बड़े अजीब होते हैं, कोई ना भी हो पास फिर भी ये रिश्ते बहुत करीब होते हैं। मैं अपनी स्मृतियों के, कल्पनाओं के भीड़ भरे रोमांचक माहौल में रहती हूँ, जीती हूँ। मेरे दिल के आंगन में, मेरे साथ में, उस तसव्वुर में जहाँ मैं अपना ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ और अपनी कहानियाँ भी लिखती हूँ, तुम आज भी उसी तरह, उसी अंदाज में बसी हुई हो। प्रिय चारू, लेखक के मन की चाबी उसकी लेखनी में होती है। वास्तविकता का एक अपना नुकीलापन होता है, उसकी कोहनियाँ चुभती हैं। सच है, कल्पना का वायवीपन हमें आगोश में भर भी लेता है, परंतु कहानी की सार्थकता उस चुभन, उस गर्माहट के समुचित समावेश में है चारू।
अपनी स्मृति और वैचारिकता को एक ही धागे में बांधने का प्रयास करती हुई तुम फिर कहती हो कि मेरी वे कहानियाँ इस मायने में थोड़ी अलग हैं, जहाँ वास्तविकता एक बिंदु मात्र है, बचपन की मासूम सी स्मृति और उस परी वायवी कल्पना का एक भावपूर्ण लिहाव बहुत सघन है। चारू सही कहती हो तुम, वो यूं कि असल में कल्पना में वास्तविकता के प्रहार से बचा जा सकता है, उस लिहाज से फिक्शन को पलायन भी कहा जा सकता है, पलायन जिसमें जिजीविषा भी है और जीने की कला भी। कल्पना से वास्तविकता को सहनीय और सुखद बनाया जा सकता है चारू, फिर एक बिंदु पर जाकर कल्पना वास्तविकता हो जाती है और वास्तविकता गौण। तुम आगे लिखती हो कि इस सातर की दुनिया में मैंने तुम पर लिखा, ऐसा क्या है तुम में? यहाँ तो सबकी जिंदगी ही एक कहानी है, अपनी कहानियों से इतर दूसरों की कहानियों में इतनी दिलचस्पी क्यों भला? 50 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की इस धरती पर मुश्किल से 20 स्क्वायर फीट की जगह घेरी एक चारू अपने घर में अकेली बैठी अपनी जिंदगी के पन्नों को उलट पलट कर देख रही है, उसके बारे में लिखना? यहाँ तो आलम यह है कि मेरे घर का आईना भी मेरी शक्ल से ऊब सा गया है, दीवारों की सीलन भी आंसुओं के रंग में नहाई लगती है, मेरे कमरे तक आने वाली सीढ़ियाँ हर रोज और संकरी सी होती चली जाती हैं, जैसे किसी दिन बस यही कैद कर लेंगी मुझे। ओह, अचानक से आई गहरी टीस भरी ऐसी पंक्तियाँ जो पढ़ने के बाद भी देर तक बजती रहती हैं चारू, सच में लगा कि ये चिट्ठियाँ आदमी के दिल दिमाग का आईना होती हैं, जिनमें वह सांस लेता है, उसकी खुशी गम गुस्सा झुंझलाहट सब कुछ उस पिटारी में मौजूद है चारू। जीवन की जटिलताओं से जुड़े कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके जवाब में नए सवालों का एक विस्तृत क्षितिज हमारे सामने खोल देती हैं ये पातियाँ। चारू, तुम्हारा ये पत्र लेखक और पाठक के बीच के स्पेस और संबंध से हमारा पहला परिचय है, इसलिए ये बात तुम्हारे लिए जितनी विस्मय और कौतूहल का विषय थी, मेरे लिए उतनी ही खुशी का। असल में प्रेम में आदमी अपनी अनुपस्थिति में जितना जिंदा होता है, उतना तो शायद अपनी मौजूदगी में भी जिंदा नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है, मित्र अपने हृदय के किसी कोमल कोने में छिपे रहस्य रूबरू भी होते हैं और आपको कठिनाइयों से निकलने के लिए दिलासा भी देते हैं और उसका समाधान भी। जानती हो चारू, संस्कृत में मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है। मेरे कहने में मित्र यानी एक मित्र यानी सूर्य का अर्थ अधिक मुखर होता है। फिर तुम्हारा भी तो भरी दुनिया में मुझे यूं खोज निकालना और मेरा लिखा पढ़ना, फिर इस तरह वैचारिकता भरी पाती लिखना, वह भी एक संकल्प पूरा करने के बाद, यह भी तो किसी संयोग से कम नहीं चारू। अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ अच्छा या औरों से अलग लिखती हूँ तो ये तुम्हारा भ्रम है। मैं यहाँ एक मुखौटा सा लगा कर बैठी हूँ जो तुम्हारी तरह लड़ रही है जिंदगी से, हो सके तो कभी इस परत को उघाड़ कर इसके अंदर बैठे मेरे स्वयं को देखने की कोशिश करना। मैं भी तुम्हारा अक्स हूँ, वो अक्स जो जिंदगी से लड़ रहा है तुम्हारी तरह, कोयले की सिगड़ी पर जिंदगी को सेंक कर कुछ लजीज बनाने की जुगत में लगा है। हाँ, जो लोगों के दिमाग में उमड़ती घुमड़ती कुछ वजह की बातों को शब्दों की लकीरों में यहाँ उतार रही हूँ ना मैं, दरअसल वे मैं नहीं तुम्हारी स्वयं हूँ, तुम्हारी ही। तो कहती हो कि कहानी कुल ज्योति में तुम्हारे यथार्थ के साथ चित्रित मेरी कल्पना की नायिका सिर्फ बच्ची ही नहीं
उस बच्चे के लिए एक नानी को भी गोद लेती है। इसी को यथार्थ में बदलने के लिए तुम वृद्धाश्रम गई। वहां रह रहे बुजुर्गों के चेहरे पर अपनों द्वारा ठुकराए जाने के छलकते दर्द को तुमने शिद्दत से महसूसा। अभिशाप जैसे बुढ़ापे पर अपने ही शरीर के अंश के बुरा रवैये से उनका अंदर तक टूटना देखा तुमने। तुम लिखती हो कि वहां सब तो बोल रहे थे अपना दुखड़ा सुनाकर, क्रोध दर्शाकर अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन वह गठरी सी बनी बैठी चुपचाप शून्य में ताक रही दुबली पतली मझौली कदकाठी झुर्रियोंदार चेहरा। तुमने कहा, ये चुप क्यों है? बोल सुन नहीं पाती है क्या? या बहु बेटे के दुर्व्यवहार से दिमाग में कुछ सदमा लगा है इसे? मन में उथल पुथल होने लगी। तुम्हारे दोबारा पूछते ही उन्होंने सिर उठाकर याचना भरी दृष्टि से तुम्हें देखा। हमका छोड़ी के कहाँ चली गई रहे बिटिया? अरे ओ बिटिया, अपनी महतारी का कोई को घर से निकारत है क्या? अपनी धोती के पल्लू से उन्होंने आंख में भर आए आंसुओं को पोछा, फिर बोली, हम तो अपना घर बार रुपया पैसा सब तुमरे नाम कर दिए रहन। फिर तुम कहे, छोड़ दे बिटिया हमका, पता है तुमका हम कितना खोजें तुमका। रात में डेरू लागत रहा कातर निगाहों से देखते हुए उस वृद्धा नर्मदा देवी में सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया तुम्हारी तरफ। ऐसे कैसे कोई बेटी अपनी माँ को छोड़ सकती है, नामुमकिन। तभी पीछे बैठी वृद्धा बोल पड़ी, क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये झूठ बोल रही हैं? देख रही हो, सदमा लगा है इन्हें कि जिस बिटिया को फूलों से ज्यादा प्यार दिया उसी ने इनसे दगा किया। और ये सब कहने की बातें हैं बिटिया, कि बेटियां माँ बाप को प्यार करती हैं और बेटा बहू जुल्म ढाते हैं उन पर, बेकार ही उन्हें बदनाम किया जाता है बेटा। जब तक बिटिया दूर रहती है तब तक प्यार है, अगर साथ रखना हो तो वही बेटियां बहू से ज़्यादा निर्मम हो जाती हैं। और तुमने लिखा कि वे नर्मदा देवी अब तुम्हारी माँ और मायशा, तुम्हारी गोदली मायशा की नानी की हैसियत से तुम्हारे साथ रहती हैं। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में लगने वाले समय की वजह से तुम्हें ये पाती लिखने में महीनों लग गए। चारू, अब तुम ही कहो, जो लेखक परकाया प्रवेश करके उस कहानी को, उन किरदारों को जीता भोगता है, वही तो तुम्हारे जैसा संवेदनशील पाठक भी करता है? जैसे कि तुमने मेरी कल्पना को यथार्थ में तब्दील करके किया, तो फिर हुए ना हम दोनों दो जिस्म और एक जान। चारू कहते हैं ना कि रूह से जिस्म का रिश्ता भी अजब है, ताउम्र साथ जिए पर तारुफ ना हुआ। तो हमारे उस रिश्ते का तारुफ नहीं हुआ था, लेकिन इस पाती के माध्यम से वो तारुफ भी हुआ है, वो पहचान भी हुई है मेरी प्यारी चारू। अब तेरे इस 15 सफ़े लंबे खत का जवाब मैं किस्तों में देती रहूंगी, पर अपने और मेरे सपनों का यथार्थ बनाकर जीने वाली मेरी प्यारी दोस्त, मेरी अभिन्न मित्र, तू अब कभी भीड़ में दोबारा मत खोना। वो पाती के मुखड़े से कस कर ली झप्पी, याद है ऊपर हमने एक झप्पी डाली थी, तो उसके पास को यूं ही सदैव महसूस करती रहना। तुम्हारी सदा से अपनी, बिछुड़ कर फिर से मिल गई दोस्त, इंदु। मित्रों, ये पाती मैंने अपनी उस बिछड़ी दोस्त को लिखी जो 25 बरस बाद मुझे इस पाती के माध्यम से मिले। और यकीन मानिए,
दिल की गहराइयों से शुक्रिया करने का मन हो आया डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी का, डॉक्टर अशोक सक्सेना जी का, देवेंद्र जोशी जी का, डॉक्टर मीना सिरोला का और आप सब मित्रों का जो मुझे अपना काम छोड़कर बहुत ही अनमोल समय देकर शिद्दत से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में जन सरोकार मंच टोंक के माध्यम से। और आभार प्रकट करती हुई फिर रूबरू होंगी आपसे आज फिर कुछ दिनों बाद जैसा मुझे आदेश होगा। पुनः पुनः आभार एवं नमस्कार।